देख रहे हैं हमारी खास पेशकश। और चलिए खबरों की शुरुआत करते हैं। आपको बता दें कि बिहार में खाद की विकराल समस्या बनी हुई है। कहीं रात से नहीं तो कहीं सुबह से कतार लगी हुई है। घंटों इंतजार करने के बाद भी किसानों को खाली हाथ लौटना पड़ रहा है। समस्या यहां भी है कि जिन्हें अपनी फसल के लिए 7-8 बोरी खाद की जरूरत है, उन्हें भी 2 बोरियां ही मिल रही हैं। ये रिपोर्ट देखिए। पचास बीघा रोप लिया, 3 बोरा यूरिया में क्या नीमक है, चाटेगा उसको क्या कहता है। बिहार सरकार का ये लापरवाही का कारण हो रहा है। ये तो डीएम इन बढ़िया से मिला है, भी 3 रुपया खाद मिल रहा है। हम लोग सिर्फ 5 साल के यहाँ 6.5 साल लाइन लगा रहे हैं, इसका मतलब क्या बोला आप लोग के लिए हम लोग खाद मिले। ये लंबी कतारें, ये हंगामे की तस्वीरें अन्नदाता किसान की परेशानी बयां कर रही हैं। हर जिले हर गांव में खाद के लिए हाहाकार मचा है। आज हम आपको अलग अलग जिलों की जमीनी हकीकत दिखाएंगे। आखिर किसानों की परेशानी का सबब क्या है? किसान लंबी लंबी कतारें लगा रहे हैं, फिर भी क्यों उन्हें खाद नहीं मिल रही? कई जगह छापे और दुकानों के लाइसेंस रद्द करने की कार्रवाई के बावजूद कैसे काला बाजारी करने वाले अपना खेल खेल रहे हैं? हम आपको ये भी दिखाएंगे कि खाद किल्लत पर विपक्ष क्या कह रहा है और मंत्री का क्या जवाब है। उसके पहले नवादा की ये तस्वीरें देखिए। एक छोटी सी दुकान पर लंबी कतार लगी है। सभी को अपनी फसल के लिए खाद चाहिए। किसानों की जितनी संख्या है उतनी खाद उपलब्ध नहीं है। खाद न मिलने पर हंगामा शुरू हो गया। गुस्साए किसानों ने सड़क जाम कर दिया। मौके पर पहुंची पुलिस और प्रशासनिक अफसरों ने समझा बुझाकर जाम खुलवाया। आप सुनिए ये युवा किसान क्या कह रहा है। और हम लोग लाइन से थे, फिर क्या हुआ बंद करके निकल गया, तो इसीलिए हम लोग रोड जाम किए। अब अलग से बेचता है 600 रुपये बोरा। तो कहाँ? ये नहर पर। कहाँ लाने गए थे? नहर पर गए। यहाँ अत्यधिक मात्रा में लोग जुट गए थे खाद के लिए, और खाद दुकानदार भी विक्रेता है, उसके साथ हम लोगों ने प्रतिनिधि किया। शायद मार्केट भी जैसा कि सुनने में आ रहा है, वो अभी इलाज करवाने के लिए गया है। सारे जो भी लोग खड़े थे उन लोगों का आधार कार्ड संग्रहित कर लिया गया है, और सभी लोगों को जो भी लाइन में एकत्रित है सभी लोगों को खाद का वितरण किया जाएगा। अब गया की तस्वीरें देखिए। जिले के गरुआ प्रखंड में खाद के लिए हंगामा हो रहा है, नारेबाजी हो रही है। खाद की कालाबाजारी का आरोप लगाते हुए किसानों ने सड़क पर जाम लगा दिया। हम लोग को समस्या कि खाद नहीं मिल रहा है। सुबह सुबह हम लोग दौड़ रहे हैं और खाद नहीं मिल रहा। यहाँ हम लोग 5 बजे नहीं, गेटे नहीं खोल रहा, बच्चा का छोड़ के आ रहे हैं घर परिवार। समस्या ये है कि हम अगले वर्ष सोमवार से विश्वकर्मा में दौड़ रहे हैं, प्रमोद की दुकान दौड़ रहे हैं, प्लस ब्रह्मदा गोरिया के पास अनिल के पास गए, वहाँ भी नंबर वही है। खाद कहीं नहीं मिला, सब ठीक है। जितना इंश्योरेंस वाला जो लाइसेंस वाला खाद गोदाम से उठाता है और ब्लैक कर रहा है, किसान को खाद नहीं मिल पा रहा। हम लोग सिर्फ 5 बजे से आन के यहाँ खड़े खड़े लाइन लगा रहे हैं, इसका मतलब क्या ब्लैक का आप लोग के लिए हम लोग खाद नहीं मिले। डीएम और बीडीओ का आदेश नहीं है, डीएम और बीडीओ आ सकता है ना। मैं किसान हूँ, मेरा खाद के चलते धान जो है एकदम पीला पड़ गया है। अभी अगर आजकल मैं उसमें खाद नहीं डलाता है यूरिया, तो हमारा सारा धान खत्म हो जाएगा। और इसी बाजार में खाद आया, हम 3 दिन से नंबर डेली लगा रहे हैं, नंबर में आ रहे हैं, नंबर में खाद भी नहीं मिल रहा है। तो ये विश्वकर्मा जो है गुरुआ विश्वकर्मा के पास नंबर लगाए, वहाँ खाद नहीं उपलब्ध हुआ। हाँ, कम पर भी 1000 किसान डेली आते हैं, जिसको मैं मुश्किल से लगता है कि 200-400 के 400 से ज़्यादा का नहीं मिलता है। कार्ड पर 3 बोरा खाद जो दिया जा रहा है, तो हम कहते हैं कि हम 1000 का खाद आया है, 1000 किसान को एक एक बोरा दीजिए, सबको एक एक बोरा मिल जाए जी। गया जिले के बिस्कुमा केंद्र पर कतारें दिख रही हैं। कई किसान बता रहे हैं कि 3 दिन कतार में लगने के बाद भी खाली हाथ लौटना पड़ा। बिहार के किसानों को लगातार हो रही
खाद की परेशानी को लेकर यहाँ पे हम पहुँचे हैं मानपुर प्रखंड के बिस्कुमान भवन के पास में। आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि ये जो है बिस्कुमान भवन है जहाँ किसानों को खाद उपलब्ध कराया जाता है। और इस भवन के पास में आप सुबह से देख सकते हैं कि तस्वीरों के माध्यम से हम दिखाना चाहेंगे कि यहाँ पे जो है भारी संख्या में किसान जो है सुबह से कतारों में खड़े हैं और अभी तक इस सेंटर को नहीं खोला गया है, जिससे किसान यहाँ पे अभी तक डटे हुए हैं। क्योंकि किसानों का कहना है कि यहाँ पे कोई किसान 2 बजे रात को आए हैं, कोई 3 बजे आए हैं, कोई 4 बजे आए हैं और सुबह से यहाँ पे डटे हुए हैं ताकि अपने फसलों को बचा सके खाद का छिटाव करके। हम कुछ किसानों से बात करना चाहते हैं कि क्या परेशानियाँ हो रही है। बहुत परेशानियाँ है खाद के बगैर। क्या दिक्कतें आ रही हैं? दिक्कत तो है कि हम लोग 4 बजे से भोर से आए हुए हैं और मिल भी नहीं रहा है। आज 3 दिन से हम लोग घूम रहे हैं, खाद नहीं मिल रहा है। खाद नहीं मिल रहा है 3 दिन से सर आ रहे हैं, घूर के चले जा रहे हैं, खाद नहीं मिलता है। आता है सब मिल करके धकला धकली करता है, घूर के आदमी यहाँ पर से चला जाता है। प्रशासन आईबे नहीं करते हैं यहाँ पर ही। अगर खाद नहीं मिलता तो क्या दिक्कतें होंगी? तो कोई खेत धान सब मर जाएगा, फसल खाएगा क्या आदमी? खाद नहीं मिलने की क्या वजह है? कहाँ बजा है सर? आता है प्रशासन आकर के सीधा रास्ता में आकर के सीधा लाइन करके यहाँ पर खड़ा होकर के बंटवावे खाद। जी मीडिया की टीम जमीनी हकीकत जानने अरवल जिला पहुंची तो वहाँ का नजारा हैरान करने वाला था। ये सुनकर आपको भी अपने कानों पर यकीन नहीं होगा कि रात 10 बजे भी किसान यहाँ कतार में लगे हैं। खाना पीना यही हो रहा है, लेकिन खाद का इंतजार कब खत्म होगा ये कोई नहीं जानता। सुनो कि 9 बजे से स्टार्ट हो जाएगा, तो हमने 9-10 बजे से आए हैं। 10 बजे कब? रात्रि में। अच्छा, और अभी लाइन में लगे हुए हैं। अभी मिल रहा है? अभी कहाँ मिल रहा है, अभी तो बटन स्टार्ट नहीं। पहले ट्राई किए थे? नहीं पहले ट्राई नहीं है। नहीं, पहले नहीं ट्राई किए। कितना खाद चाहिए आपको? 2 बोरा हमको चाहिए। एक आधार पर और खाद भी चाहिए? नहीं 2 बोरा चाहिए। एक वजह से हम चल जाते थे, आज 10 बजे रात के आए हैं। अच्छा, लाइन में लगे हुए हैं 10 बजे रात से। रात आज क्या लग रहा है? लग रहा है कि अब भीड़ में थी, मैंने रुके हुए रात से, हो सकता है कि मिलने का चांस है। कैसे मिल रहा है? एक आधार पर कितना मिल रहा है? 2 बोरा मिलता है। हैं? 2 बोरा, पहले तो 1 बोरा मिला था, लेकिन 2 बोरा सुन रहे हैं कि पैसे लगा है। औरंगाबाद की भी ऐसी ही तस्वीर दिखी। यहाँ सुबह से ही कतार लग जाती है ताकि एक बोरी खाद मिल सके, पर बहुत से किसानों को मायूस लौट जाना पड़ता है क्योंकि बारी आते आते स्टॉक खत्म हो जाता है। किसान के सहूलियत के लिए कुछ नहीं। आप पीछे देख सकते हैं कि कितना लंबा लाइन लगा हुआ है और लोग खाद के लिए मर रहे हैं। सरकार कहती है कि किसान को ये देंगे वो देंगे, कोई खाली किसान के नाम पर लूट मचा हुआ है और किसी भी प्रकार का कोई काम यहाँ पर ठीक से हो नहीं रहा। विक्रम में धान की फसल खेतों में लहलहा रही है, पर किसान खाद के लिए भटक रहे हैं। किसान चिंतित हैं कि वक्त पर फसल में खाद नहीं दी गई तो सारी मेहनत बेकार चली जाएगी, लेकिन पैक्स में खाद नहीं है और बाजार में भी खाद की भारी किल्लत है। प्रखंड कृषि पदाधिकारी के दफ्तर में ताला लटका है, एक दुकान में खाद है तो सुबह से यहाँ भीड़ लगी है। खाद विक्रेता कह रहे हैं कि कहीं कोई समस्या नहीं है, लेकिन किसान नाराज हैं। क्या समस्या है कि हमारे विक्रम में जो हमारे सरकार जो है सब पिछड़ी है। सरकार को चाहिए कि सब जितने डीलर हैं उस सभी को खाद दें। आज इसके लिए हमारे सारी गरीब दल को बेचते जो अपने लाइन लगा के जो खाद उठा रहा है वो बहुत परेशानी में है। यह सरकार की आवश्यकता है, यहाँ के विधायक की भी आवश्यकता है कि हमारे क्षेत्र को जो विधायक है वो अपने क्षेत्र में खाद देने की काम करे और गरीबों दलितों के खाद मिले। इनकी कमी नहीं है, जो डीलर एक है 85 डीलर हैं जिसके पास खाद भी नहीं आ रहा है। जो सभी डीलर के पास खाद आता तो सभी जनता को मिलता खाद। आज इसकी सरकार का दोषी है, जो सरकार आज भी निकम्पी है, जो उसको हटाना चाहिए। जो सरकार इसे कर रही गरीबों दलितों का खून चूस रहा है, ये सरकार की कमी है।
खाद मिलने में तो अभी कोई परेशानी नहीं है, पर्याप्त खाद आ रहा है, पर्याप्त खाद बढ़ रहा है। तब तो इस साल धान अगात रोपा गया है एक महीना, उसके चलते सरकार का जो विधि विधान से आता है उसमें टाइमिंग थोड़ा डिफरेंस होने से किसान को दिक्कत हो रहा है। खाद विक्रम प्रखंड को पर्याप्त मात्रा में मिल रहा है और बढ़िया से बट भी रहा है, यानी थोड़ी सी सरकारी व्यवस्था कहीं पर, सरकारी व्यवस्था में कोई कमी नहीं है। सरकार के प्रतिनिधि आज के डेट में बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं, जो विधिवत खाद बंटवा रहे हैं और सिस्टम से बंटवा रहे हैं, और सरकार का अधिकारी जितना मेहनत कर रहा है, या बिहार सरकार, या बिहार के कृषि मंत्री, या हमारे डायरेक्टर साहब जो काम उठाया है जीरो टैलेंस वाला, वह बहुत बढ़िया है। और उस हिसाब से अगर लागू हो जाता है जिसे आज लागू है, भविष्य में भी अगर लागू रहे तो यह बहुत खुशी की बात है। जी मीडिया की टीम ने बेगूसराय के सदर प्रखंड की चिलमिल और पचम्बा पंचायत में किसानों से बात की। सुनिए किसानों ने खाद की किल्लत पर क्या कहा। मिलबे नहीं करै छै, खाद के समय रहे यूरिया नहीं पैक्स में नहीं खुदरा दुकान में दै छै, बौखैबो सगरे, खाद के किल्लते किल्लत छै। किसान की करतै, खाद मिलते तब ना छिटतै, आ फिर 15 दिन 20 दिन के बाद रैचा बाग होतै, मकई बाग होतै। सरकार खाली कहै छै ई देबो आ ओ देबो, आ किसान पर कुछ ध्यान देबे नहीं करै छै। खाद खुदरो जेबो लै ले तो 10 शेयर 20 शेयर नहीं दै। बाढ़ के किसानों पर दोहनी मार पड़ी है। पहले बाढ़ की बर्बादी से खेती में देरी हुई, अब खड़ी फसल के लिए खाद की मारामारी है। हालांकि सत्ताधारी जेडीयू के किसान प्रकोष्ठ के नेता कह रहे हैं कि किसानों को थोड़ी समस्या आई थी, पर अब सरकार पूरी तरह एक्टिव है। थोड़ा सा समस्या हुआ था, लेकिन अब जो है हमारा सरकार जो है इस पर एक्टिव है। सभी जगह मान लिया खाद का व्यवस्था कर दिया गया, फिर रैक भी लगा हुआ है जो कि सभी किसानों को खाद का आपूर्ति हो जाएगा। और हम लोगों का सरकार जो है उसमें एक्टिव हुई है, जितने भी दुकान हैं सब पर पॉस मशीन दे दिया गया है। आधार कार्ड जमा कीजिए और खाद ले जाइए, 266.65 रुपया में खाद भुजिए उपलब्ध है। कोई भी रिटेल दुकान पर जाइए वहाँ पर, या बिस्कोमान जाइए, बिस्कोमान पर अपना आधार कार्ड दीजिए और खाद ले जाइए। और थोड़ा बहुत जो किल्लत है वो भी अब दूर हो जाएगा, कोई किसान यूरिया से वंचित नहीं रहेंगे, सभी किसान को यूरिया पर्याप्त मात्रा में मिल जाएगा। लखीसराय में भी खाद की बड़ी समस्या बनी हुई है, इसकी वजह भी साफ है। खरीफ फसल के लिए जिले में निर्धारित लक्ष्य 15,500 मीट्रिक टन खाद है, जबकि अब तक मात्र 7,123.8 मीट्रिक टन खाद उपलब्ध हो पाई है। प्रखंडों में खाद नदारद है और किसान जिला मुख्यालय के चक्कर लगा रहे हैं। किल्लत है करता, यूरिया मिल नहीं रहा है, काफी परेशानी है जी। तो आप लोग यहाँ बिस्कोमान पहुँचे हैं जी, प्रखंड में खाद उपलब्ध नहीं है। जिले में मिल रहा है लेकिन प्रखंड में कहीं कुछ नहीं। आप लोग किस प्रखंड से आए? हम रामगढ़ चौक प्रखंड से। तो काफी परेशानी होती है, बहुत ज्यादा खेती तो खराब हो चुका है। हम लोग रोपनी किए हुए एक महीना से ऊपर हो गया, DAP नहीं उसमें डलाया जाता। नहीं, ये बात सही कहा गया, ये अभी जो हमारा खास करके धान रोपनी जब हुआ है तो उसमें हमारा फर्टिलाइज़र जो है ये बहुत आवश्यक है। और फर्टिलाइज़र के लिए हम लोगों का दो तरीके का फर्टिलाइज़र, तो हमारे प्राइवेट के जो भी हमारे फर्टिलाइज़र है हम लोगों ने स्टेट को रिक्वेस्ट किया है, क्योंकि हमारे यहाँ के जो भी विक्रेता हैं उनको लाना पड़ता है जाकर के, या तो जमुई से जो वहाँ पर एजेंट अलाउ किया हुआ है स्टेट के स्तर से, या नालंदा से, थोड़ी दूरी हो जाती है और लाने में उनको दिक्कत होती है, कठिनाई होती है। हम लोगों ने आग्रह किया कि क्यों जो मेरा रेलहेड है बहुत बड़ा रेलहेड है, वहीं पर हम लोगों को सामान अगर उपलब्ध करा दें आकर के, तो उससे क्या होगा कि हमारे जितने भी विक्रेता हैं यहीं से वो अपने सामान को ले लेंगे, उसका उनका फ्रेट चार्ज एक्स्ट्रा देना भी नहीं पड़ेगा, और दूसरा क्या है कि यहाँ से विक्रेता बहुत आसान है। शेखपुरा में किसान सड़क जाम कर हंगामा कर रहे हैं क्योंकि खाद नहीं मिल रही है। किसानों का कहना है कि जिनके पास 10-20 बीघा खेत है, महज 3 बोरी खाद में क्या होगा। किसान काला बाजारी का आरोप भी लगा रहे हैं। किसान का यूरिया पूर्ति करो, 20 बीघा रोप ले है, 30 बीघा रोप ले, 50 बीघा रोप ले, 3 बोरा यूरिया में क्या नमक है, चाटेगा उसको क्या कहता है। सरकार, बिहार सरकार का ये लापरवाही का कारण हो रहा है, ये तो DAP बढ़िया से मिला है, नहीं तो यूरिया खाद मिल रहा है। क्या अकेले हैं आप लोग सड़क जाम के लिए हैं? हाँ, क्या अकेले हैं आप लोग? हम लोग यूरिया खाद के लिए अभी आ रहे हैं, नहीं मिल रहा है। नहीं, नहीं मिला, ब्लैक कर देता है, कहाँ से मिलेगा।
मोतिहारी में भी किसान परेशान हैं, क्योंकि खाद दुकानदारों का स्टॉक खाली पड़ा है। पूर्वी चंपारण जिला में यूरिया की क्या हकीकत है? हालांकि सरकार का दावा है कि जीरो टॉलरेंस नीति के तहत यूरिया बेचा जा रहा है, 266 के हिसाब से बेचा जा रहा है, लेकिन ग्राउंड रियलिटी क्या है उसे देखने हम यहां पहुंचे हुए हैं रामगढ़वा में। देखिए, ये रामगढ़वा का दुकान है, मेसर श्री राम भंडार उर्वरक की दुकान है, और ये दुकानदार यहाँ के यूनियन का जो खुदरा विक्रेता है, यूरिया खाद विक्रेता, खाद दुकानदार जो है खुदरा विक्रेता है, उसके संघ के प्रखंड अध्यक्ष भी हैं। अब इनकी दुकान की हम आपको तस्वीर दिखाएंगे। इनके दुकान के अंदर में स्टॉक में एक भी बोरा, एक भी बैग यूरिया या कोई अन्य खाद भी नहीं है, और ख़ास तौर पे अन्य खाद है लेकिन यूरिया यहाँ पे रखते हैं, यूरिया यहाँ पे मौजूद नहीं है। तो ये दिक्कत, ये परेशानी, ये यूरिया का नहीं होना, किल्लत, क्या मामला है? हम सीधा दुकानदार से ही बात करते हैं। आपके पास यूरिया नहीं है, ऐसे में किसान आ रहे हैं, लौट के जा रहे हैं, आपको कितनी परेशानी हो रही है? यूरिया का 5 तारीख को स्टॉक समाप्त हुआ, उसके बाद से यूरिया को हमने मोतिहारी में दुकानदारों से बात किया तो बोले कि रैक आने वाला है तो यूरिया देंगे, तो यूरिया 1-2 दिन में आ जाएगा संभवतः। अभी जो है सो किसानों को काफ़ी परेशानी हो रहा है, यहाँ पर हम लोग का दुकानदार का भी परेशानी समझा जाए। हम लोग का यूरिया जो है सो 260 का होलसेलर पर पहुँचा कर दे रहे हैं, उसके बाद जो है सो आपको पालदारी है 3 रुपया, पॉस मशीन है, आपको नेट का खर्चा है, दुकान का खर्चा है और स्टाफ खर्चा है, अन्य खर्च है, जो कि लेकर 266 में नामुमकिन है। लेकिन सरकार और हमारे साहब, मतलब डीओ साहब और डीएम साहब के निर्देश के अनुसार वो 266 रुपये यूरिया बेच रहे हैं। बेतिया में खाद डीलर ग्राहकों से आधार और मोबाइल नंबर लेने के साथ फिंगरप्रिंट भी ले रहे हैं। डीलर कह रहे हैं कि खाद की कमी इसीलिए दिख रही है क्योंकि जिन्हें 1 बोरी खाद की जरूरत है वो 2 बोरी की मांग कर रहे हैं। खाद की किल्लत जिले में है, लेकिन जो पहले था वो अब कम हो गया है, और बहुत ऐसे लोग हैं जो ज़्यादा यूरिया की, जहाँ 1 बोरी की ज़रूरत है, अब देख रहे हैं कि भीड़ है, यूरिया का दिक्कत है, तो उनको 2 बोरी चाहिए। जिसको 1 बोरी से काम चलने वाला है उनको 2 बोरी चाहिए, और हम सब किसानों को नंबर लगाकर उनका पिता का नाम, किसान का नाम, उनका आधार नंबर, उनका मोबाइल नंबर, उनका गाँव, उनका उनसे हस्ताक्षर कराकर फिर हम फिंगरप्रिंट बायोमेट्रिक कर रहे हैं। मसौढ़ी में खाद दुकानों पर लगी कतार खत्म नहीं हो रही। किसानों की परेशानी ये भी है कि जिन्हें 6 से 8 बोरियों की जरूरत है उन्हें भी 2 बोरियां ही मिल रही हैं। थाना में आता है और वहाँ हम 6 बीघा खेती करते हैं, सुबह से लाइन लगे हुए हैं, मगर मूल्य तो ठीक है, पर्याप्त वो खाद मिल नहीं रहा। हमारे स्तर से सभी दुकान पे कृषि समन्वय किसान सलाहकार की प्रतिनियुक्ति की जाती है, और जहाँ जहाँ खाद वितरण होता है वहाँ पे जो कृषि कर्मी उपस्थित रहते हैं और वो मॉनिटरिंग करते हैं कि किसान को सही दाम और सही रेट में जो है उनको खाद उपलब्ध हो। अभी पूरे मसौढ़ी में 266 रुपया यूरिया और 1200 रुपये DAP किसानों को मिल रहा है, कहीं से कोई असंतोष की भावना इसमें। अगर किन्हीं को कोई शिकायत हो तो वो किनको का शिकायत कर सकते हैं किसान? शिकायत के लिए हम लोग दुकान पे सब जगह चिपकाए हुए हैं, जिला कृषि पदाधिकारी और प्रखंड। अब आपको दिखाते हैं खाद किल्लत पर नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव क्या कह रहे हैं। बिहार के किसान अगर आप चले जाइए, कहीं खाद यूरिया जो है मिल नहीं रहा है, आसमान छूता महंगाई है, डीजल पेट्रोल का दाम ऐसे ही पहले से बढ़े हुए हैं, डीजल का उपयोग किसान लोग कितना करते हैं आपसे हम लोग तो बेहतर किसान जानते हैं। बिहार के कृषि मंत्री अमरेंद्र प्रताप सिंह ने खाद की किल्लत पर जी मीडिया के साथ खास बातचीत की, सुनिए उन्होंने क्या कहा। जो आवक होती है 30-40% खाद जो बाहर से आता है इम्पोर्ट खाद है, इम्पोर्ट खाद का आना बंद हो गया, तो इम्पोर्ट खाद के आवक से जो कमी हो गई है उस कमी को किसी न किसी प्रकार से पूरा करना ही पड़ेगा, नहीं पूरा होगा तो कमी रह जाएगी, तो वही हालत है और पूरे देश में है। तो हमने कहा जा कर के उनको कि बिहार का कर्टेलमेंट करिए, मत करिए, हमारा तो देखिए माइंस मिनरल नहीं है, हमारे पास उद्योग धंधे नहीं है, जो है खेती है,
तो खेती अगर बैठ गई तो फिर बिहार बैठ जाएगा। हमारा कटेलमेंट मत करिए, हमारा कोटा कहीं से भी काट के दीजिए, आप दूसरे से भी काट के दीजिए। तो फिर उन्होंने कहा कि 2,00,000 मेट्रिक टन हम तुरंत देंगे। हम 11 अगस्त को गए थे वहाँ और उनसे हमने भेंट किया था। इसके बाद फिर कई बार ऐसे वर्चुअल मीटिंग हुई, उनसे बात हुई, टेलीफोन पर भी बात हुई, और वो लगातार निरंतर खाद हम लोगों को जितना हो सकता है भेज रहे हैं। फिर भी हम लोग पीछे हैं। हम लोग लगभग 4,00,000 मेट्रिक टन खाद हम लोग अभी पीछे हैं। इतना और हमको आज के डेट में मिल जाना चाहिए था। 1,00,000 मेट्रिक टन खाद आ गया है, 1,00,000 मेट्रिक टन खाद और आ रहा है, फिर भी 2,00,000 मेट्रिक टन खाद की कमी और रह जाएगी। उसकी पूर्ति अगर नहीं हुई तो वो कमी रहेगी। इसलिए हम किसान भाई बहनों से हमें आग्रह करता हूँ, ये मेरी विनम्र प्रार्थना है उन सब से, कि जितना यूरिया उपलब्ध है उस यूरिया का ठीक ढंग से इस्तेमाल करें, सही सही इस्तेमाल करें। पिछले महीने कृषि विभाग ने हेल्पलाइन नंबर जारी किए थे ताकि राज्य के किसान अपनी समस्याएं और शिकायतें बता सकें। पटना मुख्यालय में कितने शिकायतें आ रही हैं और कितना निदान हो पा रहा है, जी मीडिया ने इसकी भी रियलिटी चेक की। खाद की किल्लत को लेकर कृषि विभाग ने हेल्पलाइन जारी किया है और पिछले एक महीने से हेल्पलाइन काम कर रहा है। हम देख सकते हैं कि ये राज्य मुख्यालय जो कृषि विभाग का है वो जो है हेल्पलाइन है, और यहाँ लगातार जो है फ़ोन जो आ रहा है, और फ़ोन आने के बाद यहाँ से लोगों से बात की जा रही है और संबंधित अधिकारियों से जो है बात कराया जा रहा है। जिलों में भी जो है वो हेल्पलाइन रखा गया है, लेकिन ये राज्य मुख्यालय का हेल्पलाइन है। आइए चलते हैं, जानते हैं कि इस राज्य मुख्यालय का जो हेल्पलाइन है उस हेल्पलाइन में कितने फ़ोन जो है वो आ रहे हैं। एक चीज़ बताएं कि पहले कितने फ़ोन आते थे खाद की जिस तरह से किल्लत है उसको लेकर, जो समस्या जो है लोगों किसानों की, पहले कितने आते थे फ़ोन और अब क्या है? पहले की बनस्पत तो अभी कम हुआ है। मुख्यालय स्तर पर जो फ़ोन कॉल आने कम हो गई है, क्योंकि प्रखंड स्तर पर, जिला स्तर पर भी इसकी स्थापना की गई है, तो वहाँ जिला स्तर पर भी अब समाधान किया जा रहा है। समाधान किया जा रहा है, वहाँ भी जी वहाँ भी देखा जा रहा है, तो इसलिए यहाँ आने की समस्या कम हो गई, शिकायत अब कम हो गई है। तो लेकिन मुख्यालय में भी अभी फ़ोन आ रहा है? फ़ोन तो आती है, फ़ोन तो समस्या किसानों की समस्या है तो आती ही है। तो सबका निदान हो जा रहा है? निदान तो हम लोग संबंधित पदाधिकारी से जो भी है दिया जाता है और उसका निराकरण करने का कोशिश किया जाता है। प्रतिदिन 20-25-50 कितने कॉल आ जाते हैं इधर? नहीं, इधर तो कम है, लगभग 10-12 कॉल आ रहे हैं। 10-12 पहले आते थे, 25 कॉल हो जाते थे, लेकिन इधर अब कम हो रहे हैं। हेल्पलाइन नंबर पर शिकायतें जितनी कम आ रही हैं, ज़मीनी हकीकत उतनी ही विकराल तस्वीर पेश कर रही है। खाद की हर जगह कमी है और इसे तुरंत दूर करने की जरूरत है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।